सो विल कंटिन्यू विद द सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स। लोकल एनेस्थेटिक के अंदर जितने भी ड्रग आते हैं हमारे सिलेबस में हैं, जो तीन हमारे, उनकी सिंथेसिस आप देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ बेंजोकेन। तो सिंथेसिस के लिए मैंने पहले भी बोला, किसी भी ड्रग की सिंथेसिस करनी हो तो सबसे पहले उस ड्रग का स्ट्रक्चर और उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है वो होना पता होना चाहिए। उसके बाद सिंथेसिस बहुत ईजी हो जाती है। जैसे बेंजोकेन में हमने सबसे पहले देखा था, सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है इसका, ये पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे हमारा पैरा पोजीशन पे NH2 आ जाएगा, देन ईस्टर ग्रुप, और ये सिंपलेस्ट है इसलिए यहाँ पे इथाइल चेन, बस इतना सा स्ट्रक्चर है। बनाना कैसे है हमने इसको, टोलुइन से। टोलुइन में क्या होता है, सिंपलेस्ट CH3 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक तो NH2 ग्रुप जोड़ना है, CH3 को COOH में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ये वाला इथाइल ग्रुप जोड़ना है, सिंपलेस्ट। तो अब हम सबसे पहले CH3 को अगर हम COOH में कन्वर्ट कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो NO2 का जुड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि CH3 जो है वो हमारा थोड़ा सा सिलेबस के बाहर से है। बट एक बार देख लो, जो CH3 है वो हमारा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन जो COOH है वो हमारा मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो जो हमें चाहिए वो पैरा पे पोजीशन पे चाहिए, इसलिए हम सबसे पहले क्या डालेंगे इसमें, इसकी न्यूट्रिशन करवाएंगे HNO3 के साथ। तो H2SO4 भी डालते हैं बीच में ताकि न्यूट्रिशन अच्छे से हो। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन हो जाएगी। तो क्योंकि ये पैरा सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करता है, क्योंकि पैरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, ठीक है, पैरा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ पे NO2 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। बट मुझे क्या चाहिए, NH2। तो अभी मैं इसको NH2 में कन्वर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मुझे इसको ऑक्सीडाइज करना है। तो ऑक्सीडाइज करने के लिए मैं डालूँगा KMnO4। KMnO4 क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा ग्रुप को। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH। अब क्या करूँ, अब यहाँ पे मुझे इथाइल ग्रुप जोड़ना है। तो सिंपलेस्ट मैं क्या करूँगा, इसकी एस्टरीफिकेशन करवा दूँगा। तो मैंने डाल दिया C2H5OH, यानी मैंने वाटर निकाल दिया यहाँ से OH से, और ये वाला ग्रुप वहाँ पे जुड़ गया। तो मैंने क्या करवाई है, एस्टरीफिकेशन। तो मुझे क्या मिला यहाँ पे, सिंपलेस्ट ये बेंजीन है, बेंजीन के यहाँ पे NO2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, इसका O एंड ये C2H5। मतलब मुझे सब मिल गया, बस मुझे NO2 को NH2 में करना है कन्वर्ट। तो उसके लिए मैं सिंपल डालूँगा, इसकी रिडक्शन करवा दूँगा SNHCl के साथ। ठीक है, तो प्रोसेस के नाम भी याद है, ये पेपर में आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए, और इजी भी काफ़ी है, ठीक है, तो इसलिए याद रखना। पहले हमने क्या करवाया, नाइट्रेशन टोलुइन से, देन करवाया ऑक्सीडेशन, CH3 को COOH में कन्वर्ट किया, देन करवाया एस्टरीफिकेशन, एस्टर ग्रुप जोड़ दिया, देन लास्ट में रिडक्शन, इस NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर दिया। यह हमारा टोलुइन और यह हमारा बेंजोकेन। ठीक है, जो कि हमारी सिंथेसिस ऑफ बेंजोकेन इजी है। सो नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास प्रोकेन। प्रोकेन का स्ट्रक्चर कैसा है, बिल्कुल बेंजोकेन का देखा था, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव है। तो सिंथेसिस के लिए सबसे पहले क्या क्या बनाना है और किससे बनाना है, तो ये भी हमारा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव है, इस टाइप ग्रुप जो जुड़ा है हमारा इथाइल चेन के साथ। नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन भी आगे सिंपलेस्ट इथाइल चेन के साथ जुड़ गया है, ठीक है, सिंपलेस्ट है। इसको बनाते कैसे हैं, इसको हम बनाते हैं पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से। या फिर अगर मैं टोलुइन भी दे देंगे तो हमें पता ही है, सबसे पहले नाइट्रेशन करवाएंगे टोलुइन की, तो NO2 जुड़ जाएगा, देन उसके बाद उसको ऑक्सीडेशन करवाएंगे अंडर KMnO4, तो हमारे पास ये हमारा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, ठीक है, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, सॉरी।
ज़्यादा मार्क्स में आ जाएगा तो उसको हम टोलविन से भी बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, वो स्टेप हमने देख लिया बेंजोकेन में। अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम डालेंगे SO2Cl2 थायोनिल क्लोराइड, क्योंकि सबसे पहले हमें ये ग्रुप जोड़ना है यहाँ पर, उसके बाद ये ग्रुप जोड़ना है। तो मैंने इसके थायोनिल क्लोराइड डाला, थायोनिल क्लोराइड क्या करेगा, यहाँ से OH को रिप्लेस कर देगा Cl के साथ, तो मुझे मिल जाएगा पहला पोजिशन पे है NO2, अभी NO2 है हाँ। देन यहाँ पे मुझे मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड O Cl, OH गायब हो गया, SO2OH निकल गया यहाँ से, COCl मिल गया। अब मुझे क्या जोड़ना है, ये पूरा ग्रुप जोड़ना है, तो सिंपली मैं इसमें यही डाल दूँगा, ध्यान से देखना, ये ग्रुप एक नाइट्रोजन जिसके पास 3 इथाइल ग्रुप है और यहाँ पे OH, तो सिंपली ये इसमें डालूँगा जैसे ही, तो HCl बाहर निकल जाएगा तो मुझे वहाँ मेरा कंपाउंड मिल जाएगा -HCl, तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे हमारा NO2, क्योंकि NH2 को बाद में करेंगे हम रिड्यूस, देन बेंजीन, के यहाँ पे सिलवर बॉन्ड ओ ओ, ठीक है, सिलवर बॉन्ड ओ के बाद ये ओ जुड़ गया, HCl निकल गया, एन एन के बाद 2 इथाइल ग्रुप बन गया। अब यहाँ से इसको रिड्यूस करना है तो सिंपल SnHCl डालूँगा, इसकी रिडक्शन हो जाएगी, तो मुझे मेरा कंपाउंड जो मुझे चाहिए था नेट इस प्रोकेन मिल जाएगा। दो स्टेप और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, टोलुइन से लेंगे, टोलुइन में सबसे पहले डालेंगे हम नाइट्रेशन करवाएंगे, NO2 ग्रुप लग जाएगा पैरा पोजिशन पे, देन उसकी ऑक्सीजन करवाएंगे KMnO4 के साथ, तो हमारे पास ये पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। या तो हम सीधा इसी को ले लें या फिर हम यहाँ से बना सकते हैं, टोलुइन से भी बना सकते हैं, तो यहाँ से बनाया हमने और ये बनाया। सिंथेसिस के लिए बस यही याद होना चाहिए किससे बनाना और क्या बनाना है, ठीक है। सो लास्ट हमारे पास जो सिंथेसिस है वो है हमारी डाइबोकेन की, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अब डाइबोकेन का भी सबसे पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कहाँ से बनाना है, तो ये है हमारा डाइबोकेन का स्ट्रक्चर, ये क्विनोलिन डेरिवेटिव है, मिसलेनियस में आता है, तो एक बेंजीन रिंग है जो जुड़ी है हमारी पाइराजीन रिंग के साथ नाइट्रोजन, इसकी सेकंड पोजीशन पे जुड़ा है हमारे पास OC4H9, उसको हम बिटॉक्सिक ग्रुप बोलेंगे, ठीक है, ब्यूकेन से क्लियर है, BU से बिटॉक्सिक ग्रुप। तो इसके फोर्थ पोजीशन पे हमारा जुड़ा है, और इसमें एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे जुड़ा है हमारे पास सी डबल बॉन्ड O, जो जुड़ा है हमारे पास NH के साथ, और वो है ना जुड़ा हमारा इथाइल ग्रुप, तो फिर हम कह सकते हैं उस नाइट्रोजन के साथ जिसके पास 3 इथाइल ग्रुप है, याद रखने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा डाइब्यूकेन का स्ट्रक्चर। बनाना कैसे है, इसको हम बनाते हैं आइसाटिन से। आइसाटिन कैसे है, सिंपल, एक बेंजीन रिंग है और एक पायरोल की तरह रिंग है, जिसके 2 कीटोन ग्रुप जुड़े हुए हैं, और ये एरोमेटिक नहीं है, बेंजीन रिंग ही सिर्फ एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है आइसाटिन का स्ट्रक्चर है, इसी से हम इसको सिंथेसिस करते हैं। अब इतना क्लियर हो रहा होगा, जो आइसाटिन है उसके पास हमारे पास 5 मेंबर रिंग है सेकेंड वाली, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है, तो अगर हम इसको तोड़कर 6 मेंबर में जाएं, उसके बाद ये ग्रुप तो अलग से जोड़ देंगे, ये वाला ग्रुप अलग से जोड़ देंगे, तो हमारे पास रहेगा क्या, पहले हम इसको तोड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी एसिटाइलेशन करवाते हैं, तो हम क्या करेंगे, एसिटाइलेशन करवाएंगे CH3CO,
एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन में कौन सा ग्रुप है ये वाला, अब देखना होता क्या है। जो एसिटाइल ग्रुप है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। इतना ग्रुप यहाँ से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, मैं यहाँ से तोड़ रहा हूँ, तो टूट के जुड़ जाएगा, यानी ये रिंग टूट जाएगी सबसे पहले। सीधे बरमोड ओ, और इसके साथ जुड़ जाएगा हमारा ओ एच, क्योंकि इसमें हम एन ए एच भी डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, पहले ये डालेंगे देन एन ए एच डालेंगे, ठीक है, दो स्टेप में। अभी एसिटाइलेशन इकट्ठे कर रहे हैं, तो मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया, क्या होगा, रिंग टूटेगी, तो एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये एन था, इसका एसिटाइल ग्रुप जुड़ा है कौन सा, ये वाला CH3, और ये जो यहाँ पे जुड़ गया, और जो एन ए है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3COONA। यानी सब ये जो सॉल्ट फॉर्मेशन करके ये ग्रुप साइड पे हो गया, ये वाला ग्रुप यहाँ पे जुड़ गया, और NaOH का OH यहाँ पे जुड़ गया। उससे पहले क्या होता है, ये वाला ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा यहाँ पर, और बाद में वो उससे सेपरेट आउट हो जाएगा, तो ये हमारी जो है वो रिंग टूट गई। अब हमने क्या करना है, इसको 6 नंबर में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पे एनिवेज डालेंगे, या फिर एक सेकेंड, हम एनिवेज बाद में डालते हैं, क्योंकि एनिवेज ही रिंग को तोड़ता है। जब मैंने एनिवेज नहीं डाला था तो ये वैसा का वैसा ही था, थोड़ा सा इजी रहेगा, याद रहेगा, इसलिए सी डबल मोडो एन का जो एच है वो गायब हो गया, एन के एच की जगह हमारा क्या जुड़ गया, हमारे पास एस्टेल ग्रुप, एस्टेलेशन हो गई। क्या हो रहा है, ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, ये वाला, वो थोड़ा जल्दी जल्दी फ्लो फ्लो में चला गया था। सबसे पहले हम इसकी एसिटाइलेशन करवा देते हैं, एसिटाइलेशन करवा दी सिंपली, ये ग्रुप डाला एसिटाइल ए वाला, तो क्या हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया, यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप आके जुड़ गया, और ये वाला एच के साथ इसके साथ अलग हो गया, ठीक है। अभी उसी सोल्यूशन में यहाँ पे ये रिंग स्प्लिट नहीं हुई है, इसमें मैं डालूंगा NaOH सेकेंड पॉइंट में, जैसे ही NaOH डालूंगा तो ये रिंग टूट जाएगी, रिंग टूटने से क्या होगा, ये सिल्वर बॉन्ड हो ओ एच में चला जाएगा, क्योंकि एन ए में चला तो एन ए पकड़ेगा यहाँ पे इसको, और ये ओ एच जो होगा इसका वाला साइड पे हो जाएगा, एन ए का ओ एच इधर आ जाएगा, ये एन दिस वे, ठीक है। अब मैं डालूँगा इसमें, अब क्या होगा, रिंग जुड़ेगी, यानी इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, डबल बॉन्ड हो COOH, और इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ अगर CH3, ठीक है। अब ये वाला जो O है यहाँ से वाटर लॉस होगा, ठीक है, यहाँ से इस CH3CH2 और यहाँ से O ये निकल जाएगा और रिंग बन जाएगी यहाँ पे। तो आगे क्या होने वाला है, ये हमारी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ ये वाला कार्बन सेम, यहाँ पे COOH ग्रुप है, ठीक है, ये वाला जो है वो डबल बॉन्ड किसके साथ जुड़ गया, कार्बन के साथ, वो कार्बन किसके साथ था, नाइट्रोजन के साथ, एंड यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड है ये वाला, और यहाँ पे हुआ क्या है, वाटर का लॉस हुआ है, ठीक
डिहाइड्रेशन। तो यहाँ से एच टू, यहाँ से ओ, जब यहाँ से वाटर निकल गया तो ये रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब मैक्सिमम काम तो हो गया मेरा, अब मैं डालूँगा इसमें PCl5। PCl5 क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड ओ और OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा क्लोरीन से। ये हमारे पास दूसरी रिंग है, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा सी डबल बोलो CL और यहाँ पे बन जाएगा CL। ठीक है, किसकी वजह से बना, PCl5 की वजह से बना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट यहाँ पे याद रखना एक ही डबल बॉन्ड है अभी तक, अभी दूसरा वाला आएगा अभी इसके बाद। कैसे, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, ये निकल गया, तो यहाँ पे हो जाएगा भी डबल बॉन्ड। ठीक है, अब सिंपलस मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो मैं क्या करूँगा, एक स्टेप में तो ये ग्रुप डाल दूँगा, दूसरे स्टेप में ये डाल दूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दो स्टेप अब कंबाइन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सिंथेसिस समझ में नहीं आएगी। यहाँ से यहाँ जाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करिए, ये वाला ग्रुप इसमें डाल दिया, यहाँ तक तो है, यही डालना पूरा। तो NH2 इस वाले ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला इधर ग्रुप जुड़ जाएगा। दूसरे में मुझे ये चाहिए, तो ये मैं ब्यूटॉक्सिक ग्रुप डाल दूंगा, सोडियम ब्यूटॉक्साइड। सोडियम ब्यूटॉक्साइड जैसे डालूंगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा, एंड यहाँ से एच और सी एल निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे मेरा HCl निकल गया और यहाँ पे मेरा HCl निकल गया। ठीक है, एक पॉइंट ये है, एग्ज़ाम में लिख देना, और एक पॉइंट ये है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी लंबी थी सिंथेसिस, लेकिन सिंथेसिस कैसे करना था, सबसे पहले आइसोटीन की एस्टिलेशन करवाएंगे, क्योंकि ये कार्बन की कमी है। तो जैसे मैंने एस्टिलेशन करवाई, यहाँ पे जुड़ गया, ये वाला ग्रुप जो है वो इसका एच लेकर चला जाएगा, ठीक है, इस नाइट्रोजन का। तो उसमें NaOH डालने, जैसे ही डालूँगा NaOH जैसे ही डालूँगा तो ये रिंग टूट जाएगी, यहाँ से ये OH ये पकड़ लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH बन जाएगा यहाँ से, एंड ये वाला नाइट्रोजन जैसे वैसा रहेगा, ये NA जो है वो इसको दे देगा, ठीक है, या फिर उसको साइड पे रखते हैं, अभी सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। देन अब ये रिंग जो है वो जुड़ेगी, तो इसमें वाटर का लॉस होगा, यहाँ से दो हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, तो ये रिंग जुड़ जाएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं था, डबल बॉन्ड फंक्शन कब हुई, जब यहाँ से ओवर डबल बॉन्ड हो गायब हुआ और CL में कनेक्ट हुआ, जब हम डालते हैं PCl5। ठीक है, फिर वो CL जो है वो अब हम जो ग्रुप जोड़ने हैं वो जोड़ देंगे, मतलब जो ग्रुप मुझे जोड़ना है वो डाल दूंगा सीधा, तो यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, एंड जो यहाँ पर जोड़ना है सोडियम ब्यूटॉक्साइड डालूंगा तो ये जुड़ जाएगा, तो NaCl यहाँ पे निकल जाएगा, सॉरी सोडियम ब्यूटॉक्साइड डाला है ना, तो NaCl निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, HCl, क्योंकि यहाँ से H, इसका H और यहाँ से CL। ठीक है, तो ये हो गया हमारी सिंथेसिस कंप्लीट, इसी के साथ हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म, एंटी डायबिटिक एजेंट्स। थैंक यू।